सो गाइस, ये आपके सामने खड़ी है बजाज की सबसे ज्यादा पुरानी ओल्ड लेजेंडरी बाइक, जो कि आप हमारे सामने देख सकते हैं, ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर 220F। और इस गाड़ी में भी आपको अपडेट देखने को मिल जाता है, इसमें आपको अच्छे खासे अपडेट देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डिटेल ऑलराउंड रिव्यू करने वाले हैं कि इस गाड़ी में पुराने वाले से क्या अपडेट किया गया है, साथ साथ इसका जो प्राइस है वो आपको कितना बढ़ चुका है, इससे आप टॉप स्पीड कितना का गेन कर पाएंगे, माइलेज क्या मिल जाएगा और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, सबसे पहले आप इसका की देख सकते हो, जो कि आपको वेब डिजाइन में की मिलता है और दो की आपको कंपनी की तरफ से दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। और इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको की के स्लॉट देखने को मिलेंगे, जैसे आप की को ऑन करोगे और यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है। और यहाँ से इस गाड़ी का फ्रंट डिजाइन को देख पाओगे, जो कि आपको मिनी फेयरिंग में गाड़ी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो आपको दो पीस DRL लाइट दिए गए, जो कि आपको टोटली हेलोजन बल्ब के साथ ही दिए गए। यहाँ पे आपको कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, लो बीम और आपको हाई बीम दोनों ही मिल जाता है, जो कि आपको प्रोजेक्टर लाइट दिया गया और ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखोगे तो आपको फेक एयरबैंड्स के लिए आपको जगह दिया गया है। और इसका आप यहाँ पे वाइजर देख सकते हो, जो कि आपको टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर में ही दिया गया है। यहाँ पे आपको बजाज के लोगो मिल जाएंगे, दोनों साइड आपको यहाँ पे मिरर दे दिया गया है। इसमें जो इंडिकेटर मिलता है ये आपको टोटली हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेंगे। अच्छी बात ये है कि आपको फ्लेक्सिबल ही देखने को मिलता है। नीचे की ओर आओगे तो इसका आप मडगार्ड देखोगे, जो कि आपको टोटली फाइबर बॉडी में दिया गया है। फेक कार्बन के यूज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि आपको मोटे सस्पेंशन दिए गए हैं, छोटे मोटे गड्ढे तो आपको इजिली एब्जॉर्ब होने वाले हैं। 280 mm के आपको यहाँ पे डिस्क दिए गए हैं, दोनों ही चक्के में आपको ABS मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर के ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। और टायर का आप साइज देखोगे, जो कि आपको 90x90 सेक्शन के आपको यहाँ पे टायर दिए गए हैं, जहाँ कि आपको 17 inches के आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। टोटली आपको ब्लैक कलर के साथ दिया गया है और यहाँ पे आपको रेड कलर के साथ आपको स्ट्रिप्स भी देखने को मिलते हैं। सीएट कंपनी की तरफ से इसमें आपको टायर मिल जाता है। क्रैश गार्ड के ऑप्शन आपको पहले से ही मिल जाते हैं। अच्छी बात यह कि इसमें आपको डुअल हॉर्न देखने को मिलेंगे। और जो गाड़ी का इंजन है, जहाँ की आपको ऑयल कूलिंग को ये गाड़ी आपको सपोर्ट करने वाली है। इंजन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इंजन काउल मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको न्यू स्टिकर देखने को मिल जाएंगे। और इसमें जो इंजन मिलता है, जो कि आपको 220 cc के देखने को मिलते हैं, जो कि आपको 20.1 PS का पावर और 18.55 Nm का आपको टॉर्क देने वाली है। माइलेज अप्रॉक्स आप इसे 35 से 40 का आराम से निकाल पाओगे। टॉप स्पीड लगभग आपको 120 km का मिल जाएगा। और इसका जो अगला अपडेट किया गया है, जो कि आप इसका यहाँ पे टैंक पे देख सकते हो, जहाँ की आपको अच्छे डिजाइन में आपको 220 को मेंशन किया गया है। यहाँ पे भी आपको ट्रिपल टोन कलर का यूज किया गया है, रेड कलर, इधर आपको फेक कार्बन देखने को मिलेंगे, व्हाइट कलर का आपको यूज देखने को मिल जाता है, आपको अच्छे डिजाइन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी आपको जाली का हल्के से पैटर्न्स दिए गए हैं। टैंक इसमें जो मिलता है, जो कि आपको टोटली मेटल के साथ देखने को मिल जाएगा, आपको 15 लीटर के इसमें आपको टैंक कैपेसिटी दिए गए हैं। और यहाँ पे देखोगे तो आपको क्रोम के साथ पल्सर को भी मेंशन किया गया है। इस जगह पे आपको टैंक पैड के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये गाड़ी है जो कि आपको E20 को भी सपोर्ट करने वाली है। और दोनों साइड आप ASTR देख सकते हो रेड कलर में, जो कि आपको पहले नहीं देखने को मिलता था। क्लिप ऑन हैंडल बार की वजह से आपको राइड क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका अगला अपडेट देखोगे और सबसे बड़ा अपडेट देखोगे, जो कि इसके मीटर कंसोल में किया गया है, फुल्ली डिजिटल में। अब आपको इसमें आपको मीटर कंसोल दे दिया गया है, जैसे आप ऑन करोगे ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलेंगे, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया गया है, जहाँ की आपको कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट के फीचर्स मिल जाएंगे। डिजिटल में आपको यहाँ पे क्लॉक मिल जाएगा, साइड स्टैंड का आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए, रिफ्यूल के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी क्या है गाड़ी का, मतलब कि गाड़ी आपको माइलेज क्या दे रही है वो आपको बताने वाली है। दोनों साइड आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ये आपको फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ट्रिप ऑन, ट्रिप टू मिल जाएगा। बट डिसएडवांटेज इस मीटर का ये है कि यहाँ पे आपको गियर पोस्ट इंडिकेटर नहीं देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, जहाँ की आपको USB चार्जिंग पॉइंट के आपको यहाँ पे स्लॉट भी देखने को मिलता है। और इसका टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पे एक मोड वाला बटन दिया गया है। इस वाले मोड के बटन को जब प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे, जो कि आपको पल्सर का जो डिवाइस है ब्लूटूथ का, वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ट्रिप ऑन मिल जाएगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगा और आपको डिस्टेंस टू इम्पटी के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं लो बीम, आपको हाई बीम और यहीं पर आपको पासिंग के बटन मिल जाएंगे। स्विच गियर क्वालिटी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न का स्विच और ये आपका ऑन का स्विच। साउंड आपको यहाँ से सफिशियंट मिल जाएगा। और हर एक स्विच के बगल में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे व्हाइट लाइट के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसका कि आपको अच्छा से फील होने वाला है जब इस गाड़ी को आप रात को चलाओगे। यहाँ पे देखोगे तो आपको इंजन ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया और यहाँ से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाओगे। आगे चल के इसका मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड को चेकआउट कराने वाला हूँ। रियर सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे आप इसका सीट देख सकते हो, जो कि आपको स्प्लिट में सीट दिया गया है, 2-3 आदमी तो आराम से बैठ सकते हो। और सीट काउल में देखोगे तो यहाँ पे आपको 220F को भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो इसका साइड पैनल, जहाँ की आपको फेक कार्बन के यूज देखने को मिलेंगे, आपको टोटली ब्लूइश कलर में आपको देखने को मिल जाता है। की का स्टार्ट का ऑप्शन इस गाड़ी में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एग्जॉस्ट देख सकते हो, जो कि आपको मोटा दिया गया है।
आगे चल के इसका मैं आपको साउंड को सुनाने वाला हूँ। और रियर का जो आपको सस्पेंशन मिलता है, जो कि आपको नाइट्रॉक्स फिटेड आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर का आपको यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया है। रियर का डिस्क देखोगे जो कि आपको 230 mm के दिए गए, और यहाँ पे भी आपको ABS के प्लेट देखने को मिल जाते हैं। और जो रियर का टायर है जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, जो कि आपको 120 सेक्शन के दिए गए हैं, और यहाँ पे भी आपको 17 inches के आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। स्प्लिट में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। रियर का आप यहाँ से टेल टाइडी देख सकते हो, जो कि आपको टोटली LED में ही देखने को मिल जाएगा। इस जगह पे आपको रिफ्लेक्टर दिए गए, नीचे में आपको हेलोजन बल्ब्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी कार के ऑप्शन पहले से मिल जाते हैं। लेडीज फुटरेस्ट आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे। चेन आपको टोटली खुला दिया गया है, और साथ साथ इस गाड़ी में आपको टोटल 5 गियर का आपको ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाएगा। साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही मिलते हैं, और साइड स्टैंड में आपको यहाँ पे साइड स्टैंड कटअप सेंसर के फीचर्स दिए गए हैं। और अब मैं इस गाड़ी का आपको एग्जॉस्ट साउंड को चेकआउट कराता हूँ। तो अभी का जस्ट आपने इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड को सुना, आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हल्का सा आपको रिफाइनमेंट में आपको कमी देखने को मिलता है। जब इस गाड़ी को आप टॉप स्पीड में चलाएंगे आपको हल्का सा वाइब्रेशन फील होने वाला है। और इसका जो वजन है जो कि आपको मात्र 160 kg का रखा गया है, कोई भी आदमी आराम से चला सकता है। और सीट हाइट आपको 795 mm के रखे गए। अगर आपका हाइट 5.5 inches है, 5.6 inches है, तब कोस आप इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला पाओगे। एक बार मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। मेरा जो हाइट है जो कि आपको 5.6 inches है, और दोनों साइड आप मेरा पैर देख पाओगे, बहुत ज्यादा कंफर्टेबली हट चुका है। सच इस गाड़ी को मुझे चलाने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और बैठने का आप तरीका देख सकते हो, जो कि आप टोटली सीधा बैठते हो, ना ही आपके हाथ में दर्द होगा और ना ही आपके कंधे पे दर्द होगा। जब इस गाड़ी को आप लंबे समय के लिए भी चलाओगे, चाहे आप इस गाड़ी को आप सिटी में राइड कर लो, चाहे आप इसे हाईवे में चला लो, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और लास्ट में अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाला है। पुराने वाले मॉडल से अगर कंपेयर किया जाए, आपको मात्र आपको 2500 रुपये का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है। और उस 2000 रुपये में आपको क्या मिलता है, टोटली न्यू ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और साथ साथ जो मीटर कंसोल है वो आपको फुल्ली डिजिटल में दे दिया गया है, जहाँ की आपको टर्न बटन नेविगेशन मिल जाता है, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है। और अभी का इस गाड़ी का आपको ऑन रोड प्राइस 1,72,000 रुपीज हो चुका है, और पुराने वाले मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस था जो कि आपको 1,69,500 रुपीज रखा गया था। वो भी मॉडल अभी भी फिलहाल शोरूम पे अवेलेबल है, जिसको वो मॉडल चाहिए वो भी ले सकता है, और जिसको न्यू मॉडल चाहिए तो उसके लिए ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है। तो मेरे गाइस इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल्ड रिव्यू में, वो मैंने आपको अरे कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आपको आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।